जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज चंडीस पर, मैं हूँ सदानंद कुमार। आज गिद्धौर प्रखंड के गंगरा पंचायत में एक ऐसा परिवार है जिन्हें आवास नसीब नहीं हुआ अभी तक, खाने के लिए दर दर भटकता है। इसके बाद इसका आवास अभी तक, जबकि इसके पास राशन कार्ड है, सारा जो होना तो यह है, लेकिन अभी तक इन्हें प्रधानमंत्री आवास इनको नहीं मिला है। तो आखिर सरकारी तंत्र करता क्या है? सवाल ये बनता है, क्यों नहीं इन परिवारों को अभी तक आवास मिला है? मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को जानना चाहता हूँ कि आप खुद इस मामले को संज्ञान में लेकर ऐसे व्यक्ति को आप आवास दिलाने का काम करें। मैं आपको इस घर का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल एक कमरा है और एक ही कमरा में गुजर बसर कर रहा है। मैं कहूँगा थोड़ा आगे आगे इधर दिखाएं। बारिश के समय में बिल्कुल ये इसमें पानी चूता है और परिवार लाचारी से किसी तरह जीवन बसर कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला आपको? नहीं सर। काहे नहीं मिला? गरीब आदमी है, उतना नहीं कोई देखता सुन पाता है। आप झोपड़ी में रह रहे हैं, इसके बाद भी आपको आवास नहीं मिला है, तो BDO साहब को के पास नहीं गए थे? दो झोंक के लिए। अच्छा, दो झोंक में कोई सुनवाई नहीं, बैठ रहा लिए के। तो कुछ बोला होगा ने? ना, कुछ नहीं सर। कुछ नहीं बोला? पैसा मांगा लो भाई, दोसर कोई पैसा मांगा लो, हमारा पैसा दे कर हमारा खाइयों पर आफत है। कितना मांगता था? हमको 2000 दीजिए तो हम क्या बेटा के 2000 दे लिया घर के चल मार नहीं दल के 2000 दे दलिए, सूद पर उठा के दलिए हैं और 5 रुपये सकरा सूद दलिए जोड़ के 3 साल पर खुनी दलिए। हमारा साथे एगो टा के देखो, हमारा करके पहले तोड़े आ जो हम नहीं अलग दूसरा के आगे